तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है रमोना नाम की एक लड़की से जो कि अपने स्कूल में सबसे ज्यादा फेमस है। हर लड़का रमोना के साथ रिलेशन बनाना चाहता था और एक दिन पार्टी के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है आंड्रे, जो कि आज फैसला करता है कि वो रमोना को अपनी दिल की बात बोली देगा। लेकिन वो रमोना से ये सब कहने में डर रहा था। तब उसका एक दोस्त सिल्वी उसके पास आकर उसे मोटिवेट करने लगता है और उसे साथ ही में एक सिगरेट भी देता है और कहने लगता है कि तुम ये कर सकते हो। अब आंड्रे फुल जोश में रमोना के पास जाकर उसके साथ डांस करने लगता है। आंड्रे बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रहा था। इस तरीके का डांस करते हुए देखकर रमोना को आंड्रे बहुत ही इनोसेंट लगता है, इसलिए रमोना भी आंड्रे के साथ डांस करने लगती है। इसी बीच आंड्रे को टॉयलेट आ जाता है और जब वो टॉयलेट में जाता है तो वहाँ की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, इसीलिए वो बिना कुछ किए ही जैसे ही बाहर आता है तो बाहर रमोना खड़ी थी। आंड्रे को ऐसा लगता है कि कहीं टॉयलेट की खराब कंडीशन को देखकर रमोना ये ना समझे कि ये सब मैंने किया है, इसलिए वो रमोना को बाहर लेकर जाने लगता है। लेकिन इसी बीच एक शख्स आकर उस टॉयलेट के अंदर चला जाता है और वो बाहर आकर रमोना को बताता है कि ये सब आंड्रे ने किया है। और अब ये बात सभी लोगों को पता चल जाती है और वो सब लोग आंड्रे का मिलकर बहुत ही ज्यादा मजाक बनाते हैं। अब इस पूरी सिचुएशन के बारे में आंड्रे अपनी मोम को बताता है, लेकिन इस बारे में उसकी मोम ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती। खैर अब अगले दिन आंड्रे एक और पार्टी में जाता है जहाँ पर रमोना भी थी। रमोना की फ्रेंड रमोना को बताती है कि आंड्रे तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और वो ये भी बताती है कि अभी तक किसी के साथ आंड्रे ने रिलेशन भी नहीं बनाया। इसके बाद रमोना अपनी फ्रेंड्स को ये चैलेंज देती है कि वो आज रात आंड्रे के साथ ही बिताएगी। खैर अब रमोना आंड्रे के पास जाकर डांस करने लगती है और इसके बाद वो उसे एक रूम में लेकर जाती है। रमोना आंड्रे से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, और ये कहकर वो अपनी ड्रेस उतारती है और इसके बाद वो आंड्रे के साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन तभी आंड्रे उससे कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर से नहीं बल्कि तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने से पहले तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा समय बिताना चाहता हूँ। अपना ये रिजेक्शन सुनकर रमोना बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है। खैर अब अगले दिन आंड्रे जब अपने दोस्तों के साथ इस बात को शेयर करता है तो उसके दोस्त उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हें यह मौका नहीं गंवाना चाहिए था, यही एक चीज सबको चाहिए होती है और यह चीज तुमने गंवा दी। इसके बाद आंड्रे का दोस्त सिल्वियो आंड्रे से कहता है कि तुम्हें इन लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए और तुम्हारा जो दिल करता है तुम्हें वो काम करना चाहिए। खैर अब अगले दिन सिल्वियो मौका पाकर रमोना को प्रपोज करता है। अब रमोना भी आंड्रे से बदला लेना चाहती थी तो इसलिए वो उसके फ्रेंड सिल्वियो को एक्सेप्ट कर लेती है। अब सिल्वियो और रमोना अपने ज्यादातर समय एक ही साथ बिताते हैं और स्कूल में भी ज्यादातर अपने साथ ही रहते थे। अब ये सब देखकर आंड्रे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो सिल्वियो के पास जाकर उससे कहने लगता है कि मेरे रिजेक्शन की वजह से ही रमोना ने तुमसे हाँ की है, इसलिए तुम्हें जो भी करना है थोड़ा सोच समझ कर करो। लेकिन तभी वहां पर रमोना आ जाती है और वो आंड्रे से कहने लगती है कि मैं तो बहुत समय पहले से ही सिल्वियो को लाइक करती थी। और साथ ही वो आंड्रे को पिटवाने के लिए सिल्वियो से कहती है कि रात को मुझे परेशान करने के लिए आंड्रे मुझे मैसेज करता है। अब ये सब सुनने के बाद सिल्वियो आंड्रे को बहुत ही मारता है। खैर अब आंड्रे घर पहुंचने के बाद ये सब बात अपनी मोम को बताता है, जिस पर उसकी मोम कहती है कि शायद रमोना तुमसे नाराज है इसलिए ये सब वो कर रही है। और इसके बाद आंड्रे का मूड ठीक करने के लिए आंड्रे की मोम उसे एक ट्रिप पर ले जाती है। अपने ट्रिप पर ये ठहरने के लिए एक होटल में जाते हैं जहाँ के रिसेप्शन पर आंड्रे को एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम होता है एनमोना। एनमोना आंड्रे को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अब एनमोना के बारे में आंड्रे बारटेंडर से पूछता है, जिस पर वो बारटेंडर उसे बताता है कि तुम उसके पास जाने की भी कोशिश मत करना क्योंकि वो अडल्ट वीडियो बनाती है। लेकिन फिर भी आंड्रे नहीं मानता और वह एनमोना के पास जाकर उससे बातें करने लगता है। वो बहुत ही अजीब तरीके से बातें कर रहा था और उसके अजीब तरीकों को देखकर एनमोना उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे रात को बीच पर चलने के लिए कहती है। अब ये दोनों बीच पर वॉक कर रहे होते हैं जहाँ पर आंड्रे बारटेंडर के बारे में उससे पूछता है, जिस पर एनमोना उसे बताती है कि मैंने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था और इसी वजह से वो मेरी गलत गलत बातें लोगों में फैलाता है, लेकिन मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोनों अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में एक दूसरे को बताते हैं, जिस पर एनमोना उसे बताती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। अब आंड्रे एनमोना को लाइक करने लगा था इसलिए वो उसे किस करने के लिए कहता है, लेकिन एनमोना उसे पहले एक गाना गाने के लिए कहती है, जिस पर आंड्रे ना कि एक गाना गाता है बल्कि उसे डांस कर कर भी दिखाता है और इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आ जाते हैं कि एनमोना उसे अपने रूम में लेकर आती है और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं।
खैर अब अगले दिन आंड्रे बाहर आकर एनमोना को ढूंढता है, जहाँ पर उसे बाहर एनमोना मिल भी जाती है। एनमोना आंड्रे को बताती है कि रात को किसी ने तुम्हें मेरे रूम से निकलते हुए देख लिया था और ये होटल की पॉलिसी के खिलाफ है और इसलिए अब मुझे होटल से निकाल दिया गया है, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन आंड्रे उसे यहाँ से जाने से मना करता है, जिस पर एनमोना उसे बताती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही रहना चाहती हूँ। और इसके बाद एनमोना अपने रास्ते और आंड्रे अपने रास्ते हो जाता है। अब जब आंट्री यहाँ से जा रहा होता है तो तभी उसे रमोना का एक मैसेज आता है जो उसे मिलने के लिए बुला रही होती है और आंट्रे उसे मिलने के लिए भी जाता है। वहाँ पर पहुंचकर आंट्रे देखता है कि रमोना के मुंह पर बहुत से चोट के निशान हैं और रमोना उसे बताती है कि लड़ाई के दौरान सिल्वियो ने मेरे मुंह पर अटैक किया था और मेरी सिल्वियो से बहुत ही ज्यादा लड़ाई भी हुई थी। खैर अब इसके बाद आंट्रे उसे अपनी गर्लफ्रेंड एनमोना के बारे में बताता है, लेकिन रमोना को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि उसके फोन में एनमोना का कोई नंबर भी नहीं होता है। और इसके बाद रमोना उसका मजाक बनाने लगती है, जिस पर आंट्रे उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे बहुत सी लड़कियां मिल जाएंगी। और ये कहकर आंट्रे यहाँ से चले आता है। खैर अब अगले दिन जब स्कूल में आंट्रे पहुंचता है तो सब लोग उसे बहुत ज्यादा हेट करते हैं क्योंकि रमोना ने सबको बताया था कि उसने उसे मारा है, जिससे कि आंट्रे बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। ये देखकर आंट्रे की मॉम उसे एनमोना से बात करने के लिए कहती है। अब आंट्रे के पास एनमोना का नंबर नहीं था, इसलिए वो उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने लगता है, लेकिन इस चीज से बात नहीं बनती। और इसके बाद आंट्रे होटल से एनमोना का नंबर निकलवाता है और इसके बाद वो एनमोना से बातें करने लगता है, जिस पर वो उससे कहता है कि रात को मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, जिस पर एनमोना उससे मिलने के लिए भी तैयार हो जाती है। खैर अभी रात को ये दोनों एक क्लब में जाते हैं, जहाँ पर डांस के दौरान ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो उस क्लब के बाथरूम में जाकर वहाँ पर इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इसी बीच उस क्लब का बाउंसर वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि एंट्री को वहाँ पर देख कर उसे बहुत ही ज्यादा मारता है। अब एनमोना आंट्रे का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है, जिस पर आंट्रे उसे कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से हमारे बारे में कब बातें करोगी, जिस पर एनमोना उससे मना कर देती है और वो उसे कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा अमीर है और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अब ये सुनने के बाद आंट्रे का दिल टूट जाता है। खैर अब अगले दिन जब आंट्रे अपनी क्लास में बैठा होता है तो सभी लोग उसे बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। दरअसल जब आंट्रे ने रमोना को रिजेक्ट कर दिया था तो रमोना ने यह अफवाह फैलाई थी कि आंट्रे गे है। ये बात सुनकर आंट्रे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो सबको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को नहीं सुनता। इस बात से आंट्रे बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। आंट्रे की एक स्कूल फ्रेंड होती है जिससे वो हर बातें शेयर कर लेता था और आंट्रे उसे अपनी सारी बात बताता है। खैर अब अगले दिन आंट्रे का फ्रेंड भी उससे अलग हो जाता है क्योंकि सभी लड़कियां उसे आंट्रे के साथ रहने की वजह से उसे भी गे समझ रही थी। अब ये सब चीजें देखकर आंट्रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खुद को बदलने की सोचता है और इसके बाद वो अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा काम करता है, बहुत ज्यादा वर्कआउट करता है और अपने अंदर पर्सनैलिटी लाता है और वो अपने एक नए लुक के साथ आता है। आंट्रे का ये लुक देखकर सभी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। आंट्रे रमोना को अपने पास बुलाता है और उसे कहने लगता है कि तुम अभी भी मुझे दुनिया में सबसे अच्छी लगती हो। और इसके बाद आंट्रे रमोना को रात में उसके साथ मूवी देखने का मौका देता है और इसके लिए रमोना भी राजी हो जाती है। और इसके बाद इन दोनों की नजदीकियां एक दूसरे के साथ बढ़ती जाती हैं। अब बहुत ही दिनों के बाद आंट्रे रमोना को डेट पर चलने के लिए कहता है और इसके बाद रमोना भी उसके साथ डेट पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात के समय में रमोना बहुत ही अच्छी तरीके से आंट्रे से मिलने के लिए आ जाती है। अब आंट्रे रमोना को लेकर एक लाइट हाउस पर जाता है और वहां पर वो अपनी दिल की बात रमोना से कहता है। आंट्रे रमोना को बताता है कि मैं जब भी अपसेट होता हूँ तो मैं यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ, तुम यहाँ से दुनिया को देख सकती हो। वो रमोना से कहता है कि मैं सबसे ऊपर तुम्हें मानता हूँ। अब ये सुनने के बाद रमोना बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो उससे कहने लगती है कि जितना प्यार तुम मुझसे करते हो आज तक मुझसे इतना प्यार किसी ने नहीं किया। इसके बाद आंट्रे उसे उसके साथ घर चलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर रमोना को बहुत ही बुरा लगता है और उसे लगता है कि शायद वो भी उसके साथ फिजिकल होना चाहता है। खैर फिर भी ये दोनों घर पहुंच जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। आंट्रे रमोना से कहने लगता है कि मैं दूसरे लड़कों की तरह नहीं हूँ, मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी रमोना जबरदस्ती उसके साथ ये सब करने लगती है और इसके बाद इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चलने लगता है। एक दिन जब आंट्रे रमोना के साथ होता है तो एनमोना के उसके पास मैसेज आता है और वो उस मैसेज में उसे एक घंटे में मिलने के लिए कहती है क्योंकि वो उसी के टाउन में आई हुई थी। अब ये सब सुनने के बाद आंट्रे बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो अर्जेंट काम कहकर वहां से जल्दी से चले जाता है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलते ही किस करते हैं और इसके बाद आंट्रे एनमोना को अपने घर लेकर आ जाता है। घर पर एनमोना और आंट्रे की मदर के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है।
इसी बीच आंटी के पास रमोना का कॉल आता है और वो उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो उससे मिलने के लिए नहीं गया था। अब अपने गुस्सा शांत करने के लिए रमोना उससे कहती है कि आज रात तुम उससे मिलने के वक्त फ्लावर्स लेकर आओगे, लेकिन आंटी बहाना मार देता है और उससे कहने लगता है कि मुझे अपने कजन के साथ कहीं पर जाना है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगा। अब रमोना के जिद करने के बाद आंट्रे को गुस्सा आ जाता है और वो फोन को काट देता है। अब आंट्रे एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुका था। उसे आखिरकार समझ में नहीं आ रहा था कि उसे किसके साथ रहना चाहिए, रमोना के साथ या एनमोना के साथ। अब वो इस बारे में अपनी मॉम से बात करता है लेकिन मॉम से भी कुछ यूजफुल एडवाइस नहीं मिलती और अब फाइनली एनमोना के साथ रहने का वो फैसला करता है और वो रमोना के साथ ब्रेकअप कर एनमोना के साथ ही रहने लगता है। घर पर पहुंचने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी होते हैं। अब एक रात को रमोना आंट्रे के घर आ जाती है जिस पर आंट्रे रमोना से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद जरूर करता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं एनमोना के साथ रह रहा हूँ। रमोना उसे बहुत ही समझाने की कोशिश करती है लेकिन आंट्रे नहीं मानता, जिससे कि रमोना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। खैर अब हमें यहाँ से कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि आंट्रे अब बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका है। अब जब एक दिन आंट्रे पार्टी में बैठा होता है तो तभी उसके पास रमोना आ जाती है। रमोना आंट्रे के पास आकर उससे बातें करने लगती है और फिर उसके साथ कार में भी बैठ जाती है। पहले तो रमोना अपने हस्बैंड की तारीफ करती है लेकिन उसके बाद उसे बताती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे तुम्हारे बाद कोई भी प्यार करने वाला नहीं मिला। रमोना अभी भी आंट्रे के साथ रिलेशन में रहना चाहती थी लेकिन आंट्रे एनमोना को मैसेज करने में बिजी था। रमोना की बातें सुनकर आंट्रे को रमोना पर बहुत ही ज्यादा तरस आता है और वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। आंट्रे जब अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एनमोना उसके घर नहीं है। तभी उसके पास रमोना का मैसेज आता है और उसे बताने लगती है कि मैंने एनमोना को सब कुछ बता दिया, अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगी। तभी वहां पर आंट्रे को अपनी खुद की आवाज सुनाई देती है और आंट्रे सोचने लगता है कि अगर मैं रमोना के पास नहीं गया होता तो मैं और एनमोना आज खुशी खुशी रह रहे होते। फिर अब यहाँ से कहानी पास्ट में घूमती है जहाँ पर उसका फ्रेंड सिल्वियू उसे रमोना से बात करने के लिए उसे फोर्स कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर आंट्रे उसे एक पंच मारता है और इस तरह एनमोना के साथ ही आंट्रे रहेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।